हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ दी बिजनेस मैनेजमेंट के टाइप्स ऑफ दी प्लान, अभी आपने पिछले पार्ट में मैंने टाइप्स ऑफ प्लान ऑफ दी टू पार्ट्स, स्टैंडर्ड प्लान, सेकंड सिंगल यूज ऑफ दी प्लान। स्टैंडर्ड प्लान बड़ा होने के नाते वीडियो पार्ट वन पार्ट टू मैंने दे दिया है, जो आप प्लेलिस्ट से प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट से लिंक जाके देख सकते हैं। आज हम आपको सिंगल यूज प्लान, सबसे पहले यह जानिए स्टैंडर्ड प्लान में हमने पूरा आपको डिटेल बताया। जो भी कोई भी संस्था टाइम टू टाइम आवश्यकता पड़ने पर अपने बिजनेस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान बनाती है वो स्टैंडर्ड प्लान होता है। लेकिन सिंगल यूज प्लान जो भी संस्था ओनली वन टाइम एक बार आपकी बिजनेस में बनता हो, या ध्यान दीजिए ओनली वन टाइम एक बार अगर आपके पास बनता हो तो उसे हम कहेंगे सिंगल यूज प्लान। यह सिंगल यूज प्लान यूनिक सिचुएशन में आप बना सकते हैं। यह यूनिक प्लान आपके लिए वीकली हो सकता है, आपके लिए मंथली हो सकता है, आपके लिए क्वार्टरली हो सकता है। सपोज दैट आपका बिजनेस चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंडेड है, किसी कारण से ऑडिट में कोई कमी होने पर ऑडिटर अगर आपके पास अचानक आता है और कहता है कि हमें ऑडिट रिपोर्ट्स देखिए, हमें फला फला बिल देखना है, इस पर जांच करनी है, तो इस प्लान को पूरा करने के लिए उस ऑडिटर के विषय में जो कंप्लीट्स आप प्लान बनाएंगे, दिस इज प्लान ऑफ द सिंगल यूज प्लान। ये सिंगल यूज प्लान के अंतर्गत उसके टोटल्स वर्क आप करेंगे। अब वो प्लान, एक प्लान समाप्त होने पर, जैसे स्टैंडर्ड प्लान रूटीन ऑफ दी प्लान थी, एक समाप्त हुआ दूसरा प्लान स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमें मिशन प्राप्त करना है, अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करनी है। आप उसके लिए मेथड बनाएंगे, रूल्स बनाते हैं, हम उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। जब तक बिजनेस है तब तक हमारे पास प्लान होती है, दिस इज स्टैंडर्ड प्लान। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक यूनिक कार्य को पूरा करने के लिए जो आप प्रोग्राम प्लान बनाते हैं उसे हम कहेंगे सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान को आप देख सकते हैं आपकी बिजनेस में डिमांड पार्टिकुलर सिचुएशन आर नॉट मीट सर्व टू स्टैंडिंग गाइड्स ऑफ थिंक ऑफ द एक्शन। ये स्टैंडर्ड प्लान आपके लिए आपके बिजनेस में प्रोग्राम, फीचर, प्रोजेक्ट, शेड्यूल, बजट एंड स्टैंडर्ड एक एक करके हम आपको सभी के डिटेल्स देते हैं। बोर्ड से आप नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में काम करेगा। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिए। फर्स्ट आपको कहना चाहेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए टाइम की सेटिंग करना, किस आधार पे उसे एक ग्राफिकल सिस्टम बनाना कि हम वन वीक में क्या होगा, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, फिफ्थ वीक में, सिक्स सेवेंथ एट। जो एक व्यक्ति अपने टोटल प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये टोटल सिस्टम को सिस्टमैटिक ढंग से बनाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रोग्राम में भी डिफाइन सिंगल यूज कंप्रेहेंसी, एक किसी विशेष कारण के लिए आप बना सकते हैं। इस प्लान डिजाइन इंप्लीमेंट पॉलिसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाई स्टेप अप्रोच गाइड एक्शन नेसेसरी इट इज रियली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर रूल बजट एंड टास्क। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक पर्पज कैरिंग आउट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ द प्लान, एक विशेष आवश्यकता को पूरा आगे करने के लिए हम इस प्लान को प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपके बिजनेस में सिंगल यूज प्लान के क्या क्या फीचर है। इट इज ए सिंगल यूज प्लान, कंप्रीहेंसिव प्लान, इट इज ले डाउन प्रिंसिपल स्टेप फॉर द मिशन, एक निश्चित उद्देश्य, मिशन, टारगेट, गोल,
को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। स्टेप बाई अप्रोच गाइड ऑफ द एक्शन, उसे टाइम टू टाइम किस हाउ व्हाट वुड डी व्हाट क्या करना है, हाउ कैसे करना है, व्हेन कब करना है, ये एक्शन ऑफ द प्लांट्स देगी। स्ट्रेटजी कवर कौन सी हम जैसे वार के समय मिलिट्री करती है, उससे बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है कि जीतना है। इसी प्रकार से हम अपने टारगेट को पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिसके आधार पर हम अपने सेल्स को आवश्यकता पड़ती है तो हम उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देते हैं, एक्स्ट्रा वर्क का हम उन्हें इंसेंटिव भी देते हैं, अलाउंस भी देने का प्रयास करते हैं, जरूरत पड़ी तो हम बोनस भी देते हैं, लेकिन उनसे हम कहते हैं कि एक्शन ऑफ द प्लान, मेरे प्लान के जो प्रोजेक्ट्स आपको मिले हैं, प्रोग्राम है, वह 100% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रोग्राम इन्वॉल्व इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेशन प्लान अप्रोच। ने प्रोजेक्ट मीनिंग किसी भी बिजनेस के कार्य को पूरा करने के लिए आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लानिंग होगी, रिस्क देखेंगे, कंट्रोल, ट्रेडमार्क और कास्ट क्या आएगी। इट सिंगल स्टेप प्रोग्राम, नो ऑफ द प्रोजेक्ट सिंगल स्टेप प्रोग्राम की सभी को इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। ए प्रोजेक्ट इज ए सिंगल यूज प्लान विच पार्ट ऑफ द जनरल प्रोग्राम, या एक जनरल प्रोग्राम की एक भागीता है। एनालाइज्ड इवैल्यूएशन इंडिपेंडेंट, समय समय पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए और कार्य देखा जाना चाहिए कि सही हो रहा है कि नहीं। इट एक्चुअल पर्पज इन्वेस्टमेंट कास्ट बेनिफिट, हमेशा लागत देखनी चाहिए, क्योंकि बिना लागत के आप कास्ट का बेनिफिट, आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स के, इट इज नॉन रिकरिंग प्लान, यस नॉन रिकरिंग प्लान मतलब यह प्लान हमेशा एक दूसरे से, आप रिकरिंग जैसे आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, हर महीने आपको जमा, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम वर्क करेंगे। एक्टिविटी डिफाइन दी स्पेशल ऑब्जेक्ट, विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इनवॉल्व टाइम बाउंड एक्टिविटी, एक निश्चित समय में कार्य को पूरा किया जाए। प्रोजेक्ट अप्रोच टू नीडेड, प्रोजेक्ट को समय से पूरा किया जाए। मिनिमाइज्ड एरर, या ध्यान दिया जाए कि कम से कम गलती उसके अंदर होनी चाहिए। शेड्यूल, वीकली प्लानिंग ऑफ दी शेड्यूल्स, किसी भी प्लान को पूरा करने के लिए सिंगल यूज प्लान को टाइम निश्चित होना चाहिए, वह शेड्यूल्स बनेगा। उस शेड्यूल्स में हम ये बताएंगे कि हमें ये डेली करना है, वीकली करना है या क्वार्टरली करना है, क्योंकि जब किसी को भी अपने टाइम सेटिंग नहीं होगी तो समय से कोई भी किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। इस शेड्यूल प्रोसेस एस्टेब्लिशिंग टाइम सीक्वेंस फॉर वर्क टू बी टाइम की क्रमागत रखते हैं। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्शन ऑफ प्लान। प्रेस्क्राइब एग्जैक्ट टाइम व्हेन ईच would begin, when it would terminate, only important thing attracting the attention of management schedule को निश्चित समय में पूरा किया। बजट मीनिंग किसी भी कार्य को आप जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंस, कार्य कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे। बजट एस बजट एक ऐसी प्रक्रिया है, जो भी व्यक्ति नोट गिनना चाहता है वो बजट बनाता है। यदि आपको हमने 1,000 रुपए आपने प्राप्त किए और उसमें आपको खर्च बता दिया गया, तो उस प्राप्ति और रिसीप्ट एंड पेमेंट का जो आपने बैलेंस बनाया, शेड्यूल्स बनाई, उसे हम बजट कहते हैं। यह बजट कोई व्यक्ति बनाता है और गवर्नमेंट बनाती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास बजट का कोई प्लानिंग नहीं। अगर वो इकोनॉमिक्स व्यवस्था में है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बजट नहीं बनाता है। सिर्फ जीरो फेस का अंतर होता है। आप समझ सकते हैं आपकी इनकम लाखों में है तो लाखों का बजट, गवर्नमेंट की इनकम करोड़ों में है करोड़ों की बजट होगी, इतना ही अंतर होता है। इसी प्रकार से व्यवसाय भी बजट बनाती। बजट इज सिंगल यूज प्लान एक्सप्रेस्ड क्वांटिटी टर्म, इट ऑलवेज एक्सप्रेस
न्यूमेरिकल नंबर टर्म इन आल्सो नो व्हाट वी कॉल. न्यूमेरिकल नंबर मींस आपको बजट का नंबर संख्या में बतानी पड़ेगी, उसे रुपए में बताना पड़ेगा कैसे कर रहे हैं. न्यूमेरिकल प्लान बजट इज प्रिपेयर टर्म इन टू टाइम मनी मटेरियल, पैसे का क्या उपयोग किया जा रहा है, अदर यूनिट रिक्वायर पर फॉर वर्क एंड एकॉम्प्लिश स्पेसिफिक रिजल्ट, एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए. फीचर ऑफ द बजट देख सकते हैं, बजट एंड फीचर. बजट प्ले एक्चुअल रोल हैंड कंट्रोल ऑफ द डिवाइस. बजट एक पूरे बिजनेस में कंट्रोलिंग करने का टोटल पावर रखता है. नेक्स्ट है सेपरेट बजट ईच यूनिक मास्टर बजट इंटायर द ऑर्गेनाइजेशन. स्पेसिफिक एक बजट हो सकता है, पूरे संगठन का बजट हो सकता है, बजट पूरे व्यवसाय में देना. यूजली बजट इज प्रिपेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमेशा आप फाइनेंशियल ईयर में बनाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर आप मंथली क्वार्टरली भी बना सकते हैं. बजट कैन सेट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वेरी नेसेसरी फॉर करंट प्रोसेस, ये करंट प्रोसेस के लिए हमेशा आवश्यक है. इंपॉर्टेंट बजट, बजट आपके लिए मटेरियल ऑफ द बजट, क्या क्या उसमें मतलब इनकम इसके बजट के हमेशा मटेरियल क्या होंगे आपके लिए, आपके बिजनेस में इनकम होगा और एक्सपेंस होगा, यही आपकी बजट है. प्रोडक्ट बजट, किसी भी वस्तु की लागत का ध्यान देना पड़ेगा. पर्सनल बजट, सेल बजट, कैश फ्लो जिसको रेशियो में बताना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट बजट व्यवसाय क्या प्रॉफिट करती है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड. स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द स्टैंडर्ड इज नार क्राइटेरिया अगेंस्ट परफॉर्मेंस कंपेयर्ड एंड इवैल्यूएशन शॉर्ट स्टैंडर्ड. ये ध्यान दीजिए कंपेयर्ड एंड तुलनात्मक और समय पर वैल्यूएशन शॉर्ट एंड गाइड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. समय समय पर उसकी क्वालिटी की जांच की जाएगी कि आप जो प्लान बना रहे हो कितना हद तक सही है या नहीं है, उसके क्या परफॉर्मेंस है. आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस एरिया, सर्विस एंड कंडक्ट, फाइनेंशियल रेशियो, लिक्विड करंट रेशियो, प्रिपेयर्ड द इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस. ये करंट रेशियो आप देखा, करंट रेशियो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, जो आपको वर्किंग कैपिटल के रूप में दिखाई देती है. आज आपने पूरे वीडियो टाइप्स ऑफ प्लान के सेकेंड स्टैंडर्ड प्लान को पार्ट वन पार्ट टू में बताया गया, इसका सेकेंड सिंगल यूज प्लान के पूरे वीडियो देखिए, इसके लिए धन्यवाद. आप अपने इस चैनल वी कॉम ई लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके. थैंक यू.